हेलो फ्रेंड्स, हमारे यम कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, बेसन के चीले। बेसन के चीले बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन्हें आप सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम को चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसन के चीले कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बेसन का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल बेसन। हम बिना प्याज का चीला बना रहे हैं तो उसके लिए हमने इसमें एक बाउल कैबेज ली है, उसको डालेंगे। आप चाहें तो कोई दूसरी वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक हरी मिर्च जिसे बारीक बारीक काट लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम बेसन को एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हींग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और 1 स्पून धनिया पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पहले इसको मिक्स कर लेंगे। पानी कम है तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। बैटर हमें ना तो बहुत पतला रखना है ना बहुत गाढ़ा रखना है, मीडियम होना चाहिए। देखिए बैटर हमारा घुल चुका है, अभी हम इसे थोड़ा सा और घोल लेंगे। अभी लेकिन पहले हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज। कैबेज की हमने ऊपर की जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो लीव्स इसमें यूज़ की हैं। हरी मिर्च और धनिया, अब सबको डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है, ना ये पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम इससे चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम तवे के नीचे गैस ऑन कर देंगे। अब हम तवे को सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चमचे से चीला फैलाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से एक पेपर लेकर उसको फोल्ड करके उससे चीला फैला सकते हैं, उससे चीला थोड़ा पतला भी बनेगा। अब हम इस पर तवे पर चीला का बैटर डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर आप इस तरह नहीं फैला पा रहे हैं तो आप पेपर की हेल्प से इस तरह करके गोल इजीली फैला सकते हैं। हमारा चीला फैल चुका है, अब इस पर हम चारों तरफ हल्का सा ऑयल इस तरह से डाल देंगे और इसको सिकने देंगे। देखिए हमारा चीला एक साइड से सिक चुका है, हम इसे इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे। ये देखिए हमारा चीला दोनों साइड से कितने अच्छे से सिक चुका है और एकदम क्रिस्पी हो चुका है। इसे हमने बहुत लाइट ऑयल में बनाया है, ज्यादा ऑयल भी नहीं लगा है। हमारे चीले रेडी हो चुके हैं, आप इन्हें बनाइए और खाइए और हमें कमेंट में जरूर बताना आपको हमारे चीले कैसे लगे। इस रेसिपी को
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो अब हम इसके साथ आपसे विदा लेते हैं और आपसे अपनी दूसरी वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। राधे राधे।